नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार, फार्मर द जर्नलिस्ट। आज हम आए हैं शाहजहाँपुर के भूमि प्रशिक्षण प्रयोगशाला में, जहाँ पर मिट्टी की जांच होती है। आज हम यहाँ बात करेंगे प्रयोगशाला के अध्यक्ष, जो मिट्टी कैसे की जांच की जाती है उसके बारे में बताएंगे। सर नमस्कार। सर आपका बहुत स्वागत है। सर, मिट्टी की जाँच कैसे होती है कृपया ज़रा बताइए मुझे, किसान भाइयों को। नमस्कार सभी किसानों को। मैं अध्यक्ष भूमि प्रशिक्षण प्रयोगशाला शाहजहाँपुर। सबसे पहले मिट्टी की जो हमारी लैब है सोयल टेस्टिंग की, तो इसमें सोयल हेल्थ कार्ड बनाए जाते हैं किसानों के, जिसमें 12 पैरामीटर होते हैं। तो उनके लिए जांच के लिए किसान हमारे मिट्टी लेके आते हैं और फिर उनकी हम जाँच करते हैं। तो जैसे हम एक छोटा सा नमूना दिखाते हैं आपको, ऑर्गेनिक कार्बन फैसेट टेस्ट को करते हैं। तो सबसे पहले हम ये कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, इसको हम सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, जिससे इसमें पहले से कोई धूल वगैरह ना पड़े, वो भी डिस्टिल वाटर से। ये अच्छी तरीके से वॉश करके डाल देते हैं, फिर मैक्सिमम कोशिश करें तब करते हैं। जैसे ये वॉश हो गया, इसके बाद ये सूख जाए, ठीक है, ये जैसे सूख जाता है उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम 1 ग्राम मिट्टी लेके, तो ये हमारा स्पैचुला है 1 ग्राम का, ऊपर रखा है। ये 1 ग्राम का स्पैचुले से इसमें मिट्टी, ये 1 ग्राम हो गई हमारी, और ये इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद में हमारा ये केमिकल है, जैसे जैसे जो यूज होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे केमिकल हमारे यूज होते हैं। तो ये सबसे पहले हम 5 ml ये डालते हैं, जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये केमिकल बनाए जाते हैं। 5 ml सबसे पहले ये हमारा 5 ml के एक पिपेट है, जिससे हम 5 ml ये ले लेते हैं। ये इतना अब इसे जानना चाह रहे हैं, जैसे अगर कोई किसान की मिट्टी से लगता है, समझे कि उसकी मिट्टी खराब है, तो कैसे यहाँ पे आया, कैसे जांच करे, क्या तरीका है उसका, मतलब मिट्टी कैसे खेत से कोई तो दिक्कत नहीं। किसान अपने खेत में जाए और 4 कोने से मिट्टी ले और एक बीच में, फिर उसको उस मिट्टी को डिवाइड करके, जिसे हम एक कार्ड देंगे उसमें क्लियर लिखा हुआ है, उसको मिट्टी को डिवाइड करके लगभग हमारे पास 1/2 किलो मिट्टी लेके आए अच्छी से मिट्टी, उसमें कोई वैसे पार्ट ना हो, जैसे उसमें फूस पाती, किसी की पत्ती या गोबर, मिट्टी अंदर गहराई मिट्टी होनी चाहिए, हाँ मतलब 15-20 सेंटीमीटर तक की मिट्टी होनी चाहिए, वो क्लियर मिट्टी लाके हमारी लैब में और दे जाए, उस पर अपना नाम, गांव का नाम, ये सारी चीज़ें डिटेल जो भी है, डेट ऑफ सोइल सैंपल, जो मिली मिट्टी जिसने लिया है उसकी तारीख, ये सारा लेके हमारे पास दे जाए और हम उसको अपना अच्छे से करके पूरी टेस्ट सोइल हेल्थ कार्ड एक पूरा बना के दे देंगे। सर जैसे मिट्टी मान लो कहीं नाइट्रोजन कुछ कमी पड़ती है, जो भी उसमें हमें इतनी जानकारी नहीं है, क्या क्या कमी, मान लो किसी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? नहीं, नाइट्रोजन की कमी जैसे है तो उसके लिए हम कमी क्या, जो हमारी मान लैब में सोइल टेस्टिंग हुई उसमें अगर जो शो कर रहा है कि नाइट्रोजन की कमी है, तो उसमें कमी जितनी है उतना लिख के आ जाता है उसमें सोइल हेल्थ कार्ड में, उसमें पूरा होता है कि नाइट्रोजन कितनी डालनी है, या नाइट्रोजन की जगह लिखा हुआ यूरिया कितने किलोग्राम अप्लाई करनी है, फॉस्फोरस इतने किलोग्राम अप्लाई करनी है, पोटास इतने किलोग्राम अप्लाई करनी है, तो ये पूरा मतलब ये है। जैसे मिट्टी की जाँच यहाँ कराएंगे, इसमें जो जो कमियाँ आएंगी उसमें स्वतः लिख के आ जाएगी, उसमें जो उसको अपने आप पूरा कर सकते हैं। जो सोइल हेल्थ कार्ड है, इसीलिए सरकार ने सोइल हेल्थ कार्ड योजना चलाई, इसके लिए ये बहुत सही चीज़ है, जिसमें सरकार का काम कर रही है, इस पर जिसमें पूरा क्लियर कट लिख के आ जाता है कि किसान कितने इतने किलोग्राम यूरिया, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें अप्लाई करते खेत में, तो दिक्कत नहीं होती। सबसे राज्य में कार्ड में जैसे हेल्थ कार्ड आदमी इंसानों के बनते, वैसे भी सोइल के भी हेल्थ कार्ड बन रहे हैं। किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे, अगर कहीं किसानों को डाउट लग रहा हो कि उनके खेतों में पैदावार अच्छी नहीं हो रही है या कीड़े लग रहे हैं फसलों में, तो वो ज़रूर अपने एक बार मिट्टी की जांच करा ले, हो सकता है कोई कमी हो जिसको पूरा किया जा सके। धन्यवाद।